अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जॉटिक बर्ड इन्फॉर्मेशन। और आज का टॉपिक हमारा ये है, जो लोग चिक्स लेना चाहते हैं ग्रे का, रॉ का या रिंगनेट का, तो ये खास तौर पे वीडियो उनके लिए है कि एक चिक को लेने से पहले उसको किस तरह इंस्पेक्ट करना है, कौन से एरियाज उसके देखने हैं, कौन से फैक्टर्स को उसको कंसिडर करना है, और उसको मेन चीज़ उसको इंस्पेक्ट किस तरह करना है कि एक चिक लेते हुए आप किसी के पास से भी लें, किसी फार्म से या किसी बंदे से या किसी मार्केट से, तो उसको लेते हुए कौन सी चीज़ों को देखना है। तो चले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए और बेल का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ग्रे के बच्चे हैं, ये नियरली 30 डेज के चिक्स हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को इंस्पेक्ट करने की। सबसे पहले जो आज का हमारा वीडियो का पॉइंट होगा वो ये होगा कि बच्चे को किस एज में लेना है। अगर तो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ये प्रेफर करूंगा आपको कि आप बच्चे को जो है वो नियर सेल्फ लें या सेल्फ लें, जिसमें आपको हैंड फीडिंग कराने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि अक्सर हैंड फीडिंग में लोगों को तजुर्बा नहीं होता, जिसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके वो देख सकते हैं। तो अगर उसके अलावा आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले रिंगनेक या रॉ के बच्चे पाले हैं, तो आप ग्रे का बच्चा ले सकते हैं। मिनिमम 30 to 40 days का बच्चा लें, उससे छोटा ना लें, ठीक है इनिशियली। तो एक सबसे पहले चिक्स में जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि उसके जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बिल्कुल शाइनी होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ये हिस्सा, बिल्कुल इसमें कोई ब्लैक स्पॉट या कोई डार्क या डलनेस नहीं होनी चाहिए। डलनेस और डार्कनेस का जो रीज़न है वो ये है कि जब भी बच्चे को डाइजेशन का इशू आएगा और उसकी फीड ब्लॉक होगी, तो उसके जो नीचे स्टमक के नीचे वाला पोर्शन है उसमें वो फीड जमा हो जाएगी और वहाँ पे जो है वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाएंगे और वो जगह हार्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने उसके स्टमक के नीचे वाले हिस्से को देखना है, स्टमक के पोर्शन को देखना है। क्रॉप होता है, क्रॉप के नीचे स्टमक वाला एरिया होता है, तो स्टमक वाले एरिया को देखना है कि वो सॉफ्ट है, शाइनी है और कोई डलनेस नहीं है। उसके बाद आपने जो चीज़ें देखनी है कि ये प्रॉपर बैलेंस है चिक का, ये देखें प्रॉपर बैलेंस है, चिक बिल्कुल प्रॉपरली हाथ पे खड़ा हुआ है, तो चिक का बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। चिक के बैलेंस सही होगा इसका मतलब कि इसका बोन स्ट्रक्चर, बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखें चिक के बॉडी शेप बिल्कुल सही है, बैलेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। जब इसके बाद आपने क्या देखो देखना है, वो ये देखना है कि दोनों फिंगर्स जो हैं इसके पाँव की वो इक्वल हैं और कोई स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अक्सर ये होता है स्वेलिंग, मैं आपको बताता हूँ छोटे चिक्स में आती है जब वो, क्योंकि हम इनके पेरेंट्स को भुट्टा देते हैं, तो उस भुट्टे का जो रेशा होता है वो अक्सर बॉक्स में चला जाता है और चिक के पाँव में लपेट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है और वो कुछ टाइम बाद अगर आप उसको ट्रीट ना करें तो वो उंगली झड़ जाती है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, इसको उल्टा करके यूँ करके आप इसको चेक कर लें कि इसके दोनों पाँव बिल्कुल सही है, नीचे से कोई स्वेलिंग नहीं है, नेल्स पूरे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक हमेशा उल्टा करके ही चेक होता है, सीधा चेक कभी चेक नहीं होगा, उल्टा करके आप इसको देखेंगे तो एक नज़र में आपको उसका स्टमक का एरिया भी दिख जाएगा, नेल्स भी दिख जाएंगे, पाँव भी दिख जाएगा, हर चीज़ दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक छोटे चिक में क्या देखना है कि इसका हेड का पोर्शन देखना है, ठीक है। अक्सर जो लोग लव बर्ड्स पाले होते हैं तो उनमें क्या होता है, लव बर्ड्स में डिजीज़ आ जाती है पॉक्स की, ठीक है, तो वो पॉक्स की डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, वायरस ट्रांसफ़र होता है, तो वो सबसे पहले आपके जो हेड के पोर्शन है, आइस वाला एरिया है, उसको टारगेट करता है। तो चिक्स को अक्सर जो होता है यहाँ पे येलो स्पॉट्स आने लग जाते हैं, येलो पॉक्स आने लग जाते हैं, जिनको हम उर्दू में दाने कहते हैं। तो आपको एक और चीज़ देखनी है कि चिक अंडरवेट ना हो, उसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इंडिकेटर बताता हूँ कि जब भी एक चिक अंडरवेट होगा ना, उसका हेड का जो वेट होगा वो बहुत कम होगा, उसकी जो हेड बोन है वो प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रही होगी और उसका मुंह का साइज भी थोड़ा छोटा होगा, तो आपको शक्ल से ही पता चल जाएगा कि ये अंडरवेट है। ये देखें, ये इसकी हेड बोन है साइड जो बिल्कुल आंखों के नीचे से जा रही है ये वाली, तो ये प्रोमिनेंट नहीं है। माशाल्लाह से चिक्स सारे हेल्दी हैं, तो इसमें आपको वो बोन प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगी, लेकिन कुछ चिक्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है, तो वो उससे पता चल जाता है कि चिक अंडरवेट है। अच्छा, 30 दिन के चिक का वेट जो है वो 280 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए। तो अगर आप एक चिक पाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक वेट मशीन ले लें और उसको हर दो दिन बाद वेट करते रहा करें, ताकि आपको प्रोग्रेस पता चल सके। प्रोग्रेस इसमें बहुत ज़रूरी है पता चलना, उससे आपकी चिक की ग्रोथ का अंदाज़ा होता रहेगा, आपकी फीडिंग का पता चलता रहेगा कि फीड सही हो रही है, वो फीड कंज्यूम हो रही है,
उस फीड का असर हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा कि वेट कैसे होता है, चार्ट कैसे बनता है, क्या परसेंटेज है, क्या एज के साथ वेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हेड का एरिया जो होता है वो हेल्दी होना चाहिए, उससे आपके चिक का अंदाजा होगा बिल्कुल कि वो हेल्दी है। और इसकी जो है वो नोज होल्स देखेंगे, इसके नोज होल्स दोनों क्लियर होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, वेट नहीं होनी चाहिए, इसमें से बबल नहीं आने चाहिए, पानी नहीं आने चाहिए, और इसमें स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। अक्सर जो बच्चों को फ्लू वगैरह होता है तो उसके नाक में से पानी आ रहा होता है, हल्की हल्की स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी वजह से आंखों में प्रेशर पड़ता है तो आंखों के पास भी स्वेलिंग आ जाती है। तो इस चीज़ को भी आप इंस्पेक्ट कर लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और उस चिक को आप जो है वो छोड़ देंगे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट जो है ये है कि आपने चिक, जब भी चिक लेना है तो उसके मुंह के अंदर भी इंस्पेक्ट कर लेना है, उसका मुंह खोल के थोड़ा सा देख लें, या जैसे पंपिंग कर रहा है तो आपने थोड़ा सा खोल के देख लिया कि इसके अंदर एक येलोइश किस्म की साइड में चर्बी आ जाती है, ठीक है। वो जो लोग पिजन्स रखते हैं, पिजन्स में एक डिजीज आती है कैंकर के नाम से, ठीक है। वो मैं वीडियो के एंड में आपको सारी इसके डिटेल्स और जो भी है वो सारा मैं अटैच करूंगा, आप उससे वहां से देख सकते हैं। तो वो येलो येलो किस्म के अंदर से चर्बी होती है, तो वो कुछ लोगों को नहीं पता होता और कुछ लोग इतना डीप जाके देखते नहीं है, तो वो चेक जो है वो भी आप अलग कर दें, तो उससे ये होगा कि आपके चेक जो होगा बिल्कुल आप वायरस फ्री होगा, जो चेक आप लेंगे उसमें सारे एरियाज कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या क्या डिस्कस करा, उसका वेट अच्छा होना चाहिए, 30 डेज का चेक जो है उसका 280 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए पहला पॉइंट, उसका बैलेंस सही होना चाहिए, उसके बाद जो है वो उसके हेडबोन नहीं दिखनी चाहिए, वो प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, उसका जो मुंह का अंदर का एरिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें येलो किस्म की चर्बी नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है हेड का पोर्शन आता है, हेड के पोर्शन में जो है वो पॉक्स नहीं होना चाहिए, येलो कलर के दाने नहीं होने चाहिए, और जो है चिक जो है बिल्कुल परफेक्टली स्टेबल और फाइन और एक्टिव होना चाहिए जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके कोई और कंसर्न्स हैं वो कमेंट में आप मुझे मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी सारी स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगा, पिक्चर शेयर कर दूंगा कि डिजीज कौन सी होती है, पॉक्स कैसा लग रहा होता है, कैंकर कैसा लग रहा होता है, और इंशाल्लाह अगर किसी को इश्यूज आ भी रहे होंगे तो आप कमेंट में मुझे लिख दें, मैं उसकी ट्रीटमेंट भी वहाँ बता दूंगा। तो चले आज की वीडियो का एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, उस टिल देन आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।